ऑल, वेलकम टू माय चैनल अर्चना आवाजा। और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ रिव्यू हायर फ्रिज का, जो कि नीचे की और इसका बॉटम में फ्रीजर है। बहुत ही कन्वीनियंट पड़ता है और इसमें चार सेक्शंस है, 1, 2, 3। नॉर्मल जो कांच आती है वो सेक्शन, फोर्थ वाला जो है वो है वेजिटेबल्स का। बहुत ही बड़ा है, स्पेशियस है। तीन यहाँ पे हमें सेक्शंस दिए हुए हैं, बॉटल्स या मसाले रखने के लिए आप जो भी रख सकते हो। और पैनल है, टच पैनल है इसमें, जिससे आप इसके फंक्शंस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे जो फंक्शंस है वो मैं डिटेल में बताऊँगी। 10 ईयर वारंटी है इस कंप्रेसर पे। एंड सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये लगता है कि झुकना ज़्यादा नहीं पड़ता है। यहाँ पे पहले फंक्शंस बता देती हूँ। अनलॉक करना पड़ेगा 3 सेकेंड के लिए आपको, पैनल को टच करके लॉक का मतलब जो साइन है वो दिया हुआ है। फिर आप फ्रिज एंड फ्रीजर को कम या ज़्यादा जैसे आपको कन्वीनियंट है कर सकते हो। नॉर्मली 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखा जाता है और नीचे -18 डिग्री सेल्सियस रखना होता है। इससे कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने ऊपर वाला फ्रिज को 0.4 डिग्री सेल्सियस रखा है, क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहा था ठंडा मुझे। जैसे टेम्परेचर, जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर होगा, वैसे आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑटो सेट मतलब अगर आप हॉलीडे के लिए गए हो, कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना है, तो मसाले ख़राब नहीं होंगे, अंदर की चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, इसके लिए ये दिया हुआ है फंक्शन। नेक्स्ट है पावर कूल। पावर कूल खाली आपको प्रेस करके रखना है, अपने आप फ्रिज का जो फ्रिज है अच्छे से अच्छा ठंडा होगा, मतलब और फ्रीज़र का भी टेम्परेचर चेंज होगा। ज़्यादा जल्दी आपको है, पार्टी है घर में, तो ये ऑप्शन अच्छा है। टर्बो आइसिंग मतलब अगर आइस आपको बहुत जल्दी चाहिए, तो इसे भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है, 3 सेकेंड के लिए, अपने आप ही वो जो है टेम्परेचर ले लेगा। इसी के साथ जो फ्रीजर लिखा हुआ है -18 के नीचे, उसमें कन्वर्टेबल है ये। आप फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको खाली प्रेस करके रखना है, अपने आप जो फ्रीजर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद में आपको सेम, अगर नहीं आपको फ्रीजर ही करना है, तो आपको सेम बटन को प्रेस करके रखना होगा कुछ सेकंड के लिए। अगर जो भी फंक्शंस मैंने बताया है आपको नहीं चाहिए, तो सेम प्रोसेस, पहले आपको फंक्शंस चाहिए तो प्रेस करके रखना है, नहीं चाहिए तो अगेन प्रेस करके रखिएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा। 3 सेकेंड लॉक, टर्बो आइसिंग, पावर कूल, ऑटो सेट एंड फ्रीजर। फ्रीजर को कन्वर्ट करने के लिए -18 जहाँ पे रखा है उसे प्रेस करके ही रखना है, अपने आप से फंक्शंस चेंज होगा। फ्रिज का भी आपको कम या ज़्यादा अगर मैन्युअली करना है तो कर सकते हो, या फिर जो पावर कूल है उसे भी प्रेस करके आप चेंज कर सकते हो। इससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर आप केक की ऑर्डर्स लेते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्रीजर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका फंक्शंस। और बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही बड़ा है, मतलब 8 से 9 लोगों की अगर आपकी फैमिली है तो भी कन्वीनियंट है। और हायर के यहाँ से डेमो के लिए पर्सन आता है, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। मैंने ट्राई किया है कि आपको अगर इजीली पड़े कि आप फ्रिज लेना चाहते हो, तो 276 लीटर इसका कैपेसिटी है, अच्छा है। इसका जो कलर्स है, ब्लैक एंड ग्रे मिलता है, ये कलर मुझे ठीक लगा तो मैंने ये परचेज़ किया। 35,500 में मुझे ये फ्रिज मिला है और रियल प्राइस था 37,000। एक्सचेंज था, मतलब मैंने जो पुराना फ्रिज था उसे चेंज करके लिया है, उसका 1,500 दिया। GST और जो भी चार्जेस है वो लगा के 35,500 में विजय सेल्स से मैंने इसे परचेज़ किया। आप कोई भी शॉप से इसे परचेस कर सकते हो। अमेज़ॉन पे अगर आप, एक्सचेंज ऑफर नहीं था इसलिए मैंने नहीं परचेस किया, आप वहाँ से भी थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा था, बट मुझे फ्रिज जो ओल्ड फ्रिज है उसे भी एक्सचेंज करना था। ये जो क्लिप्स है मैंने बार बार आपको मतलब समझ में आए इसलिए रिपीट किया है। और वीडियो अगर थोड़ा बड़ा हो गया होगा तो आई एम सॉरी, बट और भी डेमो अगर आप देखना चाहते हो, रिव्यूज़ देखना चाहते हो, तो कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो ये वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच।